हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज अपन लेके आ चुके हैं एक थंबनेल का ट्यूटोरियल। तो आप ये बहुत ही कम समय में एक अच्छा सा थंबनेल बना सकेंगे जो कि देखने में एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। तो आपने देखा हो लॉस्ट बॉय जो मोंटाजिस वो जो बनाता है उसकी तरह ये थंबनेल दिखने वाला है थोड़ा। तो अगर आपको पता ना हो तो इस थंबनेल को बनाने के लिए आपके लिए 3 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको यूज कर सकते हैं। और जो भी यूज़ करूँगा मैं इस थंबनेल के अंदर उसका पैक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन आ चुके हैं अपने PSCC के अंदर। तो अपन पहले तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट और उसका साइज रखेंगे 90:20 x 1080p। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। इस पर जाने के बाद हम अपनी फ़ोटो लेयर में जाएंगे। फोटो लेयर में जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है उसको यहाँ पर सेव कर लें। सेव करने के बाद इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर लो। अब अपन ओपेसिटी कम करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको जितना भी थंबनेल बनाना है उसके हिसाब से अपना साइज एडजस्ट कर लो। तो अपना अपना साइज एडजस्ट कर लिया है। तो इसके बाद जाते हैं अपन ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी 100 कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी 100 करने के बाद अपन 100 पॉइंटर पर जाएंगे। 100 पॉइंटर पर जाने के बाद अपन इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कट कर लेना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी जल्दी अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अपन इसके सेलेक्ट पिक्सल करेंगे। तो सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद एक इंपीटीलियन लेंगे। इंपीटीलियन लेने के बाद फिल एंड स्ट्रोक में जाएंगे। फिल एंड स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक पे जाके इसको स्ट्रोक दे देंगे 1 से। 1 स्ट्रोक देने के बाद उसके बाद जाएंगे अपन ग्लो। ग्लो में जाने के बाद आप अपना कोई भी कलर रख सकते हैं। तो मैं अपना ये वाला कलर रख रहा हूँ। तो इस कलर को रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप जाएंगे अपने टिंट के अंदर। तो टिंट के अंदर जाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको वही कलर सेलेक्ट करना है जो आपने ग्लो के अंदर किया था। अपन इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट के अंदर जाने के बाद आपको इसको ग्लास इफेक्ट देना है, वो कर देना आपको 35। करने के बाद आपको सेव कर देना। सेव करने के बाद अपन इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद जाएंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी में जाने के बाद इसको कर देंगे लीनियर। लीनियर डॉज करने के बाद अपन जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में गॉर्जियन ब्लर। गॉर्जियन ब्लर को आप 100 कर देना। करने के बाद इसको कर देना आपको सिंपली सेव। सेव करने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लेनी है। उसको डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद अपन इसको कर देंगे मर्ज डाउन। मर्ज डाउन करने के बाद तो फिर अपन इसकी ओपेसिटी कर देंगे 90। तो इसकी 90 ओपेसिटी करने के बाद अपन इसको तो अपन फोटो वाली लेयर पे आएंगे। फोटो वाली लेयर पे आने के बाद कलर वेलेंस में आएंगे। कलर वेलेंस में आने के बाद आप यहाँ से अपना कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं ये पीला वाला कलर चूज़ कर रहा हूँ। अपन ये पीला वाला कलर चूज़ करने के बाद उसके बाद अपन जाएंगे फ़ोटो लेयर के अंदर। फ़ोटो लेयर के अंदर जाने के बाद मैं एक फ़ोटो दूंगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना, वो आपको प्रीसेट के अंदर ही मिल जाएगा। तो यहाँ से अपन उसको पहले देखते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे को ये फ़ोटो मिल चुका है। तो इसको मैं अपन ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको सेव। सेव के बाद सेव करने के बाद इसकी ओपेसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अपन का ये बाद अपन को ये थोड़ा पीला वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो आप इसमें कलर बैलेंस में जाके आप इसको चेंज कर करके देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेंज कर करके देख रहा हूँ और मेरे को जो भी अच्छा लगता है मैं इसको कर दूँगा। तो मेरे को ये वाला अच्छा लगा तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर सेव कर दूँगा। तो सेव करने के बाद अपन तो यहाँ पर अपन ने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अपन टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे। अपन यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट करने के लिए पिक्सल लैब में आ चुके हैं। तो पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ पर अपन पहले जो भी आपको टाइटल डालना है वो तो यहाँ पर लिख देना। और उसके बाद जाएंगे अपन फॉन्ट के अंदर। तो फॉन्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस फॉन्ट को आप सेलेक्ट कर लेना। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद तो इसको सिंपली ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेना। तो सेव करने के बाद इसका PNG सेव हो जाएगा। आप उसको PNG में सेव कर लेना।
उसके बाद अपन वापस अपने PSCC के अंदर आ जाएंगे। PSCC के अंदर आया तो फोटो लेयर में आना। फोटो लेयर में आने के बाद आपने जहाँ भी अपना टेक्स्ट सेव किया था उसको यहाँ से निकाल लेना। तो इधर को यहाँ से सेव करके आपको इसको यहाँ पर लेके आना। आपको अपना साइज के हिसाब से कर लेना आपको कहाँ पर रखना है इसको। तो अपन इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद सिंपली अपन इसको पूरा ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद आपका ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो उसके बाद इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं अपन सही देखने के लिए। तो अपने इसको एडजस्ट कर लिया। इसको एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ा नीचे लेके आना। आपने जो भी अपना ये इमोट है इसके नीचे आपको कर देना है। सिंपली इसको ड्रॉप शैडो देंगे। ड्रॉप शैडो देने के लिए आपको ये जो भी मैं कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरीके से करना है। आपको डिस्टेंस कर देना। आपको इधर से कलेक्ट कलर में जो भी सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आपको कर लेना है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे मैं जो बता रहा हूँ आप उस हिसाब से करें तो अच्छा रहेगा। तो इसका एंगल आपको 140 रखना है। 140 रखने के बाद आपको डिस्टेंस को अपने हिसाब से कर लेना है और आपको ब्लर को 0 कर देना है। तो ये सब करने के बाद अपन आ जाएंगे अपनी फ़ोटो की मेन लेयर पर। तो मेन लेयर पर आने के बाद इसकी थोड़ी क्लियरिटी को थोड़ा हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस मेरे हिसाब से रख सकते हो या फिर अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट को और ब्राइटनेस को थोड़ा दोनों को बढ़ा देना। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद इसको अपन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसी तरह अपने करेक्टर को भी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देना और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा आगे को बढ़ा देना। ये सब करने के बाद अपन कुछ पार्टिकल लेंगे। तो पार्टिकल लेने के लिए अपन फोटो लेयर में जाएंगे। फ़ोटो लेयर में जाने के बाद अपन कुछ पार्टिकल को इंपोर्ट करेंगे इधर। तो अपन कुछ पार्टिकल लगाएंगे। तो मैंने जो भी पार्टिकल हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर जो भी मैं पार्टिकल यूज़ करूँगा उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप जैसे जैसे मैं इन पार्टिकल को लगा रहा हूँ आप वैसे वैसे करके इन सब पार्टिकलों को लगा लेना। तो यहाँ पर अपन ने ये वाला पार्टिकल लगा लिया। उसका लीनियर ड्रॉस कर देंगे। लीनियर ड्रॉस करने के बाद अपन एक और फोटो लेयर में जाएंगे। फोटो लेयर में जाने के बाद अपन इसको भी इधर इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट लगाने के बाद आप इसको भी कुछ नहीं करना, आप इसको यूँ ही रहने देना। तो उसके बाद यहाँ पर डन पर जाके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अपन इसको गैलरी में भी सेव कर देंगे। तो यहाँ से जाने के बाद अपन शेयर पर जाएंगे। शेयर पर जाने के बाद तो इसको सेव टू गैलरी कर देंगे। तो अपन इसको के बाद अपन जाएंगे अपने लाइट रूम के अंदर। तो लाइट रूम के अंदर जाने के बाद आपने जो भी फोटो जो हमने थंबनेल सेव किया था उसको सेव करने के बाद अपन इधर से उसको सेव कर लेंगे। तो इधर से सेव करने के बाद जो भी मैं इधर जैसे करूँगा आपको सेम उसी तरीके से कर लेना है। तो इफेक्ट के अंदर आने के बाद जैसे जैसे मैं ये आपको ये जो भी किया है सबको उसी तरीके से आपको कर लेना है। आपको अगर चाहूँ तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो, अगर चाहूँ तो मेरे हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने किया सेम उसी तरीके से आपको भी कर लेना है। करने के बाद आपको इसको सेव टू गैलरी कर देना है। तो अपन ने इसको सेव कर लिया है। तो आप लिए हमारा थंबनेल बनके तैयार हो चुका है। तो हमारा थंबनेल बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा थंबनेल अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।